पूरे गीले हो जाएंगे, मैं रुकना होगा कहीं पे। आप नहीं होगे, मैं हो जाऊंगा। कभी सोची थी फर्स्ट डेट ऐसी होगी? सोचा था मैं वीडियो सुना था भैया। हाँ कितने लाइक आ जाते हैं? ठीक ठाक लग जाते हैं। हाँ वीडियो सुनाता हूँ मैं। हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज भाई 26 अप्रैल, भाई टाइम की बात की तो भाई टाइम हो रहा है अभी करेक्ट 12 बज रहे भाई, आफ्टरनून 12। और भाई अभी भाई मैं हूँ सेक्टर 83 में यार, चाचू की दुकान पे आया था भाई कुछ काम से, पर्सनल कुछ काम था भाई। तो यार मैं सोचा चलो कोई नहीं है, थोड़ा लेट ही भाई सही लॉग इन करेंगे। बाकी यार भाई मैं पोर्टर ऑन कर लिया था मैंने यहाँ पे आके, और फिर भाई पोर्टर पे जस्ट हमें अपना पहला ऑर्डर आ चुका है। अपने को जाना है भाई सेक्टर 15 गुड़गांव में, तो भाई लोकेशन का थोड़ा पता रहता है हमें, तो भाई इसका पिकअप मतलब बस 2 किलोमीटर से है। चलते भाई अपने पहले मतलब पार्सल का पिक करने। और यार आप लोग मतलब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार भाई गोजो भाई क्या हो गया भाई आजकल, भाई ये इतना टाइम पर वीडियो डाल रहे हो, कभी डाल ही नहीं रहे हो, किस दिन डालते ही नहीं हो, और भाई काम भी कम कर रहे हो। तो यार इसका मेन रीज़न ये, एक तो यार थोड़ा देखो भाई धूप इतनी है, मेन तो यार थोड़ा धूप भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा घर से प्रेशर रहता है यार कि भाई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं भाई, इतना बीमार वार पड़ जाएगा ये वो, मतलब थोड़ा ये भी है थोड़ा घर से। तो बस इसलिए यार मम्मी कहती है भाई शाम को निकला कर, शाम को निकलूँ तो यार फिर ये समझ नहीं आता भाई कितने देर तक काम करूँ। बाकी ठीक है यार जैसा भी भाई आपको, तो भाई बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बना के डेली भाई देना ही है। बाकी चलते हैं भाई पहले पार्सल को पिकअप करते हैं। तो दोस्तों भाई पार्सल तो यार पिकअप कर लिया है मैंने, और भाई अरे यार एग्जिट तो पीछे से ही है, मैं इधर घूम रहा हूँ। हाँ और भाई अपने को जाना है सेक्टर 15 यार, पिकअप में यार टाइम लग गया यार, मतलब 12 बजे मुझे ऑर्डर आया था और 12:22 हो रहे हैं, मतलब 22 मिनट लग गए मुझे मतलब लोकेशन पर आने में और फिर ऊपर से नीचे लाने में, मतलब पिकअप करने में। चलिए कोई बात नहीं यार, बाकी भाई कस्टमर बढ़िया थे यार, जाते पहले पानी ऑफर किया। और भाई 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, 21 मिनट लगने वाले बस ड्रॉप करने में। चले भाई ये बढ़िया भाई, टाइम भाई कम लगता है गुड़गांव में, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। बाकी यार ड्रॉप करते हैं इसे, डिलीवर करते हैं इसे, फिर मिलेंगे आपसे। मैं आपको QR भेजूँ? मैं QR भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप पे। यार भाई पार्सल तो भाई डिलीवर कर दिया मैंने यार भाई सेक्टर 15 में यार, लेकिन थोड़ा एक इशू हो गया। अरे यार जैसे मतलब नेक्स्ट ऑर्डर आया ना मेरे पास, तो यार मैंने पिक 90 रुपये का ऑर्डर था, मैंने पिक कर लिया और पिकअप लोकेशन मैंने देखा ही नहीं आई, सच्ची में नहीं देखा यार मैंने। और भाई क्या बताऊँ कितना लंबा पिकअप है यार इसका, 5.3 किलोमीटर का पिकअप है। अरे यार 90 रुपये के ऑर्डर के लिए बताओ 5.5 किलोमीटर के आसपास का पिकअप, और जाना भी यार सेक्टर 23 भाई, हैवी नुकसान भाई हैवी नुकसान। चलो कोई नहीं यार जैसा भी क्या करें, करने ना ठीक है, मैं वीडियो सुनाता हूँ भैया। हाँ कितने लाइक आ जाते हैं? ठीक ठाक लग जाते हैं। हाँ थैंक यू। सो भाई पार्सल तो भाई पिकअप कर लिया भाई, क्या है ये इंक है शायद, चलते हैं इसे कहाँ जाना है डिलीवर करने, तो देख लूँ सेक्टर 23 था यार। हाँ अरे यार मुझे लग रहा है यार कितना 4 किलोमीटर बताओ। अरे यार पिकअप करने वाला हूँ 5.5 किलोमीटर से, जाना है भाई 4 किलोमीटर। ठीक है भाई करते हैं इसे डिलीवर। भैया किस बात हो रही थी पोर्टर? अच्छा अंदर सर। दोस्तों भाई पार्सल तो डिलीवर कर दिया हमने यार, भाई जो हमारा फर्स्ट जो पार्सल था जिसमें मतलब आई थिंक 15-16 किलोमीटर था, उसमें मिले थे हमें 148 रुपये, और जो सेकंड ऑर्डर था भाई इसमें मिले हमें 72 रुपये। यार 72 चलो ये तो ठीक है भाई 4 किलोमीटर के, लेकिन भाई वो 16-15-16 किलोमीटर के 148 थोड़े कम नहीं है? मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। अच्छे ऐसे बचने वाला ऑर्डर, अरे क्या बकवास हो रहा है ये, कहाँ सेक्टर के जाना है उठा लो क्या, कोई और ले लो यार, छोटी सी राइड होगी यार बहुत छोटी सी, ले लेते हैं। चलो यार पिकअप नवीन अपार्टमेंट से पिकअप करना है और कैंडिडेट, चलो भाई कोई नहीं यार, कितना लोकेशन है इसका 1 किलोमीटर से तो कम होना चाहिए,
डेढ़ किलोमीटर कभी कभी अभी 1.2। चलिए कोई नहीं यार, पिक करते हैं इसे। सो दोस्तों भाई, लास्ट एयरपोर्ट की रात तो भाई कैंसिल हो गई यार। भाई लोकेशन में पहुंचा था भाई, कस्टमर पहले कह रहे कि यार पिकअप लोकेशन शायद गलत है, मैं अपडेट कर देता हूँ, अपडेट बोल के भाई कैंसिल कर दी। मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, क्या करें अब। उसमें भाई हमें मिले हैं भाई गुडविल के नाम पे 10 रुपये, ठीक है भाई। और जैसे कैंसिल हो उसके मतलब एक मिनट के बाद ही नेक्स्ट पोर्टर की राइड आ चुकी है भाई। अपने को जाना है भाई शाहपुर जट, भाई शाहपुर जट 3-4 भाई। पिकअप भाई इसका है 2.4 किलोमीटर से, 2.5 किलोमीटर मतलब पूरा यार। चलते कोई बात नहीं यार, पिकअप करते हैं इसे। सो दोस्तों भाई, पार्सल तो पिकअप कर लिया मैंने भाई, भाई पीछे देखो बांध लिया मैंने, छोटा सा है। और भाई अपने को जाना है श्री फोर्ट भाई, 30 किलोमीटर दिखा, 30 किलोमीटर मतलब ट्रिप दिखा रहा है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, 45-44 मिनट भाई। ये रास्ता दिखा रहा है द्वारका एक्सप्रेस से, मतलब थोड़ा ऐसे घूम के आगे से ऐसे एयरपोर्ट से। यार टाइम तो इसमें कम लगेगा लेकिन किलोमीटर ज़्यादा है। वैसे अगर मैं मतलब अगर जाऊँ ना मतलब कापासेटा की तरफ से या फिर थोड़ा उस तरफ से निकल के धोगर की तरफ से, तो किलोमीटर काफ़ी कम हो जाएगा मेरे ख्याल से, 3-4 किलोमीटर और कम हो जाना चाहिए। बट ये टाइम बहुत लगेगा उसमें, तो मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना द्वारका एक्सप्रेस से निकल जाऊँ, टाइम बचेगा भाई। चले कोई नहीं भाई, चलते हैं, सिर्फ डिलीवर करते हैं। 332। सो दोस्तों भाई, पार्सल तो भाई डिलीवर कर दिया हमने यार, लेकिन भाई जो पार्सल लेके आए हमें भाई, वो कस्टमर का दूसरा आ गया, मतलब जिन्होंने भेजा भाई उन्होंने दूसरा पार्सल भेज दिया उनको। बट कोई बात नहीं यार, ये कह रहे थे भाई वापस ले जाओ इनको, लेकिन भाई मैं बस एडवांस में मतलब एडवांस कह रहा हूँ, जैसे कंप्लीट करा मैंने तो भाई नेक्स्ट में बस राइड आ गई थी। वैसे भी गुड़गांव की राइड है यार पोर्टर पे। अपने को जाना है भाई सेक्टर 54, लेकिन यार इसका पिकअप भी यार 3.5 किलोमीटर से यार। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं भाई, पिक करते हैं इसको। 17 मिनट लगने वाले पिक करने में, अबे यार ट्रैफिक भी है। अभी कहाँ से पिकअप है, सही पिकअप है ना, एक बार कॉल करके पूछता हूँ पहले। भैया पोर्टर है गुड़गांव के लिए, गुड़गांव के लिए पोर्टर बुक कराया है? नहीं, मोहसिन मोहसिन बोल रहे हैं, मोहसिन कॉल पे ही है। ये लो बात कर लो, मैं बात करा रहा हूँ। सो दोस्तों भाई ये मिला यार भाई, पेंट, 2 पेंट के डब्बे हैं यार इसमें भाई। कस्टमर ने बांध दिया भाई, सही है भाई, मेरे से तो अच्छे से बांध दिया भाई, मैं तो बांध नहीं पाता अच्छे से। बाकी यार अपने को जाना है गुड़गांव सेक्टर 54, चलते यार 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, पीछे से निकालना पड़ेगा। सो दोस्तों यार भाई, आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कहाँ से भाई, अभी तो पोर्टर का ऑर्डर कर रहे थे भाई, ये कहाँ धक्का मुक्का मार रहे हैं। सो यार मतलब पोर्टर का जो ऑर्डर लेके आया था मैं गुड़गांव भाई, गुड़गांव सेक्टर आई थिंक 56 था आई थिंक, तो वहाँ मैंने यार वो डिलीवर कर दिया था। उसके बाद यार ऑलमोस्ट आई थिंक शाम के मतलब आई थिंक 4 बज गए थे मेरे ख्याल से। सो यार भाई वहाँ से मैं घर चला गया था। सो एक्चुअली क्या था ना, मतलब भाई मुझे जाना था भाई अपनी फर्स्ट एवर ब्लाइंड डेट पे। हाँ यार सही सुना आपने यार। नॉर्मली मतलब मेरे यार किससे 2-3 दिन पहले यार बात चल रही थी यार, मतलब सो बात थोड़ी अच्छी हो गई थी, तो सोचा क्यों ना मिल लें और शायद थोड़ा कुछ शूट कर लें। तो इसीलिए यार मैं जाया था यार फर्स्ट एवर मतलब मिलने, मैंने उनसे मतलब ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी ना, पहले कभी मिला था मैं। और सो यार मैं सोच रहा था यार फर्स्ट टाइम किससे मिलने जाऊँ तो आई थिंक कुछ लेके चलना चाहिए। चॉकलेट तो यार मैं हर किसी को देता हूँ, आई थिंक थोड़ा स्पेशल किसी मिलने जाऊँ थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, कुछ और दूँ। सो यार मैंने रस्ते में फ्लावर ले लिया यार, मैंने रोज़ ले लेता यार, इंप्रेशन थोड़ा अच्छा, मैंने इंप्रेशन मतलब समझ रहे ना थोड़ा ठीक लगे, इसलिए मैंने रोज़ भी ले लिया था। और फिर भाई मैं निकल गया था भाई दिल्ली के लिए, गुड़गांव से दिल्ली भाई आई थिंक कितना एग्जाम भी जाना था, वो था 35 किलोमीटर के आसपास। भाई मौसम भाई थोड़ा सा बिगड़ रहा था यार, मतलब जब देख रहा था यार बारिश जैसा हो रहा था, बट फिर नहीं हुई रास्ते में मैं यार स्पॉइल ना हो जाए भाई फर्स्ट एवर डेट मेरी। सो वैसे भाई मतलब जाके जब मिले हम, फिर मतलब मैं मुझे तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था, मतलब यार ऐसे किसी यार मैं किसी जैसे मिला नहीं, मैं पहली बार जा रहा था मिलने, तो थोड़ा रहता ना मन में ऐसा डाउट्स वगैरह। बट थोड़ा एकदम अपोजिट हुआ यार, मैं मतलब इतना घबराया नहीं, नॉर्मली एकदम थोड़ा चिल आउट था। बाकी यार फिर उनसे मिला मैं, बात थोड़ी मोड़ी बातें हुई, फिर मतलब डिस्कस किया भाई कहाँ जाने कहाँ नहीं। फिर भाई वहाँ से मतलब प्लान बना कि हम जाएंगे सिग्नेचर ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज यार आपको पता होगा मजनू के टिल के पास है, वहाँ जाएंगे थोड़ा मतलब ऐसे ही मतलब कुछ खाएंगे पियेंगे। सो वहाँ से हम निकल चुके थे यार उसके लिए सिग्नेचर ब्रिज के लिए।
फिर जब वहाँ पहुँचे तो जैसे ही पहुँचे भाई बारिश स्टार्ट होने लगी, तो बस स्टार्ट थी 5-10 मिनट बाद। फिर यार हमने जस्ट वहाँ पे आइसक्रीम खाई, और यार मतलब वेदर क्या बढ़िया हो रहा था यार, मतलब सही बता रहा हूँ, इतना तगड़ा वेदर, मतलब थंडर स्टॉर्म, मतलब बिजली कड़क रही थी, आसमान इतना बड़े दिख रहा था। ऐसे थोड़ी देर मैंने वहाँ बातें करी और जस्ट नॉर्मल राइड की थी वहाँ पे, और फिर बारिश जब स्टार्ट हो गई सोचा चलो यार वापस सब चलते हैं, साथ में रुकना सही नहीं है, वहाँ चलते हैं। फिर भाई वहाँ से यार वापस निकल गए थे हम वापस घर के लिए, मतलब इनको ड्रॉप करने के लिए चला गया था। और वहाँ मतलब आप सोच रहे हैं यार कुछ तो आप दिखा नहीं रहे यार, वॉइस ओवर कर रहे हो, तो यार मेन था ना बारिश की, यार कुछ शूट नहीं कर पाया मैं, और थोड़ा सा ऑकवर्डनेस भी था यार ऐसे, मतलब नॉर्मली ऐसे किसी कस्टमर से बात करना थोड़ा ज़्यादा आसान थोड़ा रहता है, बट ऐसे किसी पर्सन से जैसे आप कहीं मिले नहीं हो, जैसे कुछ पर्सनली ज़्यादा इतना जानते हो, बट थोड़ा सा समझ रहे ना थोड़ा वैसा लगता है। बट फिर भी यार काफ़ी मतलब सही रहता है यार, फर्स्ट एवर मेरा जो भी था एक्सपीरियंस, और जो भी थोड़ी मोटी जो बातें हुई आप देख लेना थोड़ा मोड़ा जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं दिखा दूंगा। बाकी ठीक है यार, आपको मतलब कैसा लग रहा है ये थोड़ा बताना मुझे। यू टर्न लेने बोल रहा है तो? नहीं नहीं ठीक हो गया, राइट जाना है यहाँ से। तबीयत खराब ना हो जाए आपकी, मेरा गोप्रो खराब ना हो जाए, वैसे तो नहीं होना चाहिए तेल दी। कितना कितना सूदिंग लग रहा है ना, देखो बारिश बंदे को कितना सूदिंग लग रहा है बारिश बंदे। तुमने धीरे चला लेना, कितना सूदिंग लग रहा है ये। कभी सोची थी फर्स्ट डेट ऐसी होगी? सोचा था ऐसा? मैंने तो जस्ट मतलब ऐसे रिलीज देके बस सेव कर रखा। कोई नहीं, आप नहीं होगे, मैं हो जाऊंगा। बस कैमरा खराब ना हो, बाकी सब चलेगा। फोन का मैप बंद हो गया। देख कितना बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया तो लग रहा है लेकिन। अरे दिखाई इधर से रहा है रास्ता, इधर से रहा है, इधर से हो गया। रुकना है क्या? सो दोस्तों भाई टाइम कट किया, तो भाई टाइम हो रहा है 9:49 भाई, 9:50 मान लो आप भाई। अभी वो भाई मैं रजौरी गार्डन। अब भाई आप सोचोगे भाई अभी तो गुड़गांव में थे आप, गुड़गांव से यहाँ कैसे आए, अब बीच का पार्ट कहाँ गया? तो भाई बीच का भाई कोई पार्ट नहीं है। जो पार्ट है आप मतलब मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी देख लेना, आप समझ जाओगे भाई बीच में क्या हुआ। बाकी अगर आपको वो ब्लॉग देखना है तो भाई जल्दी से भाई 20K कर दो भाई। भाई अगर आपको उस तरह के और ब्लॉग चाहिए भाई तो भाई वो भी बता देना कि भाई नहीं भाई इस तरह के कॉन्टेंट बनाओ, तो भाई मैं उस तरह कॉन्टेंट भी बना सकता हूँ यार, क्यों नहीं। बस आप थोड़ा मतलब जाना पड़ेगा, मतलब ओपिनियन की मतलब उस तरह के मतलब कंटेंट लोग देखना एक्चुअली पसंद करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। वैसे यार क्या बोलते हैं, मैं लोकेशन पर आ चुका हूँ, हमें जाना है भाई छतरपुर, तो मैंने ये राइट उठा ली। वैसे मैं पता सीधा घर जा रहा था, मैं सोचा तो यार पता नहीं क्यों, और पता है मेरे बैग में छोटा सा हेलमेट है, मतलब मैं घर गया था वैसे यार गुड़गांव जाके। ये मैम लग रही है मुझे, शायद मुझे लग रही है, शायद मे बी पूछता हूँ पहले, मतलब कॉल कर देखता हूँ। हाँ मैम मुझे बीच में पेट्रोल भराना पड़ेगा, चलेगा ना, मतलब रास्ते में ही पड़ेगा तो। हाँ मैं जाता रहा वैसे पेट्रोल में भराता मैं, फिर सोचा क्यों ना राइड ऑन कर लूँ, घर ही जा रहा था मैं गुड़गांव। हाँ हाँ जी
सो दोस्तों भाई मैम को तो पिक कर लिया हमने यार, भाई अपने को जाना है छतरपुर, चलते हैं यार। 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं सोचा यार चलो यार कोई नहीं भाई, छतरपुर से गुड़गांव चले जाएंगे यार। यार लेकिन पेट्रोल नहीं यार मेरी बाइक में यार, थोड़ी मिसिंग मार रही है भाई। मिसिंग इसलिए मारती है ना क्योंकि फ़िल्टर चेंज करा रखा है मैंने, वरना भाई इतनी तेल में तो भाई छतरपुर पहुँच जाइए। लेकिन थोड़ा रिस्क लेता नहीं मैं यार इसमें फ़िल्टर में, क्योंकि यार ये ज़्यादा मतलब हाँ खींचती है तो उसमें पेट्रोल ज़्यादा चाहिए रहता है एक बार में। बाकी यार मैं देख रहा हूँ पेट्रोल यार दिखा तो इधर रहा है पेट्रोल में, बट लग नहीं रहा इधर है। बाकी चलते हैं पहले मैम को, मतलब मैम को कह रहा हूँ रास्ते में पेट्रोल मिल जाए बस, ऐसा ना हो भाई धक्का लगाना पड़ जाए कस्टमर के साथ। और धक्का कैसे लगाऊंगा यार बैठ के, इधर तो नहीं है पेट्रोल, मैप में दिखा रहा है इधर है बट है नहीं इधर। चलो कोई नहीं, आई होप यार रिंग रोड पे तो शायद मिल जाना चाहिए, चलिए देखते हैं। ठीक है वेलकम। सो दोस्तों भाई मैम को तो ड्रॉप कर दिया हमने यार छतरपुर में, भाई इसमें मिले 185 रुपये। चलिए भाई बढ़िया यार, कितने किलोमीटर था, किलोमीटर ज़्यादा था यार 23.4। हाँ थोड़ा मैंने लंबे रूट कर लिया था क्योंकि उसमें टाइम कम लग रहा था, 46 मिनट में मैम को ड्रॉप कर दिया। बाकी यार नेक्स्ट ट्रिप भी आ गई यार हमारे पास, नेक्स्ट ट्रिप भाई मतलब गुड़गांव सेक्टर 65 की। तो मैंने कहा यार ले लो यार, घर जाते जाते भाई जब एक दो राइड मिल जाए लंबी लंबी बढ़िया तो ले लेते यार, टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं ना ट्रैफिक ना कुछ, आराम से भाई 40 मिनट है तो भी राइड कंप्लीट हो जाएगी। बाकी चलते हैं कस्टमर पिक करते हैं, 1 किलोमीटर से पिकअप है। OTP भैया, OTP अपना OTP है 8194। आज छोटू हेलमेट है भैया, आज छोटू हेलमेट है, ढंग से चला रहा है, हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो बात अलग है लेकिन मैं हमेशा बड़े रखता हूँ, आज मैं कहीं बाहर गया था। चलान नहीं हो रहा। अरे चलान नहीं, सेफ्टी भी एक रहता है ना। चलान तो यार चलान ऐसे कैसे चलाना है, हाँ फिर वो यूटर्न लेना पड़ता है ना लंबा सा। अरे वो खुले खड़े थे क्या? देखा नहीं ध्यान से मैंने, ध्यान से देखा नहीं मैंने, जस्ट अभी आया था मैं इधर। अच्छा अरे 10 बज गए। सो दोस्तों भाई अभी GoPro वगैरह लगाया हुआ है, क्या हुआ? हाँ वीडियो सुनाता हूँ मैं। अच्छा हाँ किस बारे में? किस बारे में? राइडिंग के बारे में, अपने डेली लाइफ राइडिंग करता हूँ ना मैं। अच्छा हाँ इसी पे ही मतलब रैपिडो करता हूँ मैं, उबर करता हूँ मैं। अच्छा। और डिलीवरीज भी कर लेता हूँ मैं, मतलब इसमें डिलीवरीज भी आती ना ऑप्शन आता है। हाँ मतलब इसी मेरा कॉन्टेंट निकल जाता है। अरे हाँ यार इससे बंदा रिलेट कर रहा है। हाँ हाँ रिलेट कह सकते रिलेट, हाँ रिलेट कर देना। अच्छा मतलब क्या यूट्यूब चैनल है अपना? यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है। आप इंस्टाग्राम देखो यार, वैसे कम ही यूज़ करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है। हाँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो कंटेंट है ना मेरा, वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा, मतलब थोड़ा समझ आएगा, रिलेटेबल लगेगा। क्या लगेगा? मतलब थोड़ा सही लगेगा आपको ज़्यादा। किस पे? हाँ इंस्टाग्राम का कंटेंट। वैसे यूट्यूब पे भी हाँ शॉर्ट्स देख सकते हो मेरे। हाँ ओके भैया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों भाई को तो ड्रॉप कर दिया हमने यार, इसमें मिले हमें 189। कितने किलोमीटर यार? 22.5 किलोमीटर का 189। चलो ठीक है यार। और यार नेक्स्ट स्टार्ट आ चुकी है हमारे पास, अपने को जाना भाई राजेश चौक। चले भाई बढ़िया है, रास्ते की राइड यार एकदम। अरे बाहर कहाँ से निकलेंगे? अच्छा पीछे से निकलेंगे। अबे दो किलोमीटर से पिकअप दिखा रहा है लेकिन थोड़ा मोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। चलिए बाकी पिक करते हैं कस्टमर को। आप ही भाई अक्षत? OTP भाई 0275। हाँ कई बार होता है। OTP क्या होता है? भूल गया क्या होता है? 1 0 2 7 5 0 2 7। और जाना कहाँ जाना है आपको? राजीव चौक हंसन क्लिप। हंसन क्लिप वही लेफ्ट में ज़्यादा पड़ता है इधर। हाँ, राजीव चौक से वो मस्जिद के पास है, मस्जिद वाली गली है। समझ गया। ये पता नहीं सेक्टर 33 क्या दिखाता है, समझ ही नहीं आता मेरी। शॉर्टकट क्या है? तो सीधा तो यहाँ से आके से लेफ्ट लेके।
काम तो सुबह रहता है या फिर उस पर रहता है। अभी तो बस सीधा निकल रहा बस। ये बिल्डिंग क्या बढ़िया, सीढ़ियाँ लग रही तुम लग रही सीढ़ियाँ लग रही ना, सीढ़ियाँ बना रखी है। लेकिन इस सीढ़ियों पर बस वो हल्क चल सकता है। तो दोस्तों भाई भैया को तो पिक कर लिया हमने, अपने बताना भाई सेक्टर 33 लिख रहा है भाई। चले भाई करते हैं इनको ड्रॉप ड्राइव चौक के पास, फिर वहाँ से भाई घर निकल लेंगे। वहाँ से घर होगा भाई मेरा 6 किलोमीटर, एग्जैक्ट 6-6.5 किलोमीटर घर होगा और निकल लेंगे भाई सीधा घर। यार मैं ये राइड इसलिए ली थी मैंने, मैं सोचा चलो यार सेम उसी रास्ते पर जाना भाई ड्राइव चौक से होते हुए घर मुझे, तो क्यों ना पिक कर लो इनको। मैं पिक कर लिया फिर और क्या, अभी चलिए ड्रॉप करके मिलता हूँ आपसे फिर। 96 रुपीज़ भैया, 96 4 रुपये यहाँ खुले। हाँ जी होंगे चेक कर, हाँ होंगे भाई बहुत बढ़िया है। चाहिए तो कैश, कोई बात नहीं 4 रुपये। ये अच्छा, हाँ जी भैया ये तरीका सही था। कौन सा 4 रुपये खुले? अच्छा अरे 4 ही रुपये देख रहे हो, ले बाकी 10 के। चलो ठीक है भाई। बाकी यार भाई भैया को हमने ड्रॉप कर दिया है, मिले कितने इसमें यार चेक करो जरा एक बार। 96 तो कलेक्ट किए हैं, मिले कितने इसमें? 98 रुपीज़। कितने किलोमीटर के? अरे खुल जा मेरे भाई, 9.3 किलोमीटर के 98 रुपीज़। चले भाई बहुत बढ़िया भाई, गुड़गांव के सबसे तो भाई एक नंबर रेट है यार। गुड़गांव क्या भाई, दिल्ली उल्ली सब बकवास है भाई। बाकी ठीक है यार जो भी है, अब चलते भाई सीधे यहाँ से घर। तो दोस्तों भाई ये वीडियो यहीं तक थी यार भाई, लास्ट टाइम मैंने कंप्लीट की थी यार किधर राजीव चौक के पास शायद से, हाँ उसके बाद फिर मैं सीधा घर आ गया था। सो यार जैसे कि यार वीडियो आपने देखा यार, आई होप यार आपको अच्छा लगा हो। बस यार ये मैं सोचना यार कि कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी मेरे कोई पहले से, या नहीं यार ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट रैंडम थे हम, ब्लाइंड कह सकते एकदम ब्लाइंड डेट जस्ट ऐसा था। मैं सोचा था जस्ट थोड़ा सा मतलब मिलजुल लेंगे, कुछ बातें वगैरह हो जाएंगी और कॉन्टेंट शायद कुछ शूट कर ले हम, जस्ट इसलिए था यार। और बाकी आपको बताया यार अगर आप ऐसी चीज़ देखने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, आपके मतलब फीडबैक से थोड़े पता लगे ना मुझे, मतलब ऐसा कंटेंट और बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। बाकी ठीक है यार अगर आपको वीडियो बहुत अगर अच्छी, वैसे तो यार अच्छी लगनी चाहिए, काफ़ी दिन बाद एडिट कर रहा है, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे यार, थोड़ा मतलब चीज़ों में बिजी हो गया था मैं इस चीज़ों में। नहीं यार ऐसा मत समझना आपकी भाई, मतलब आप लग रहा है इन सब में पड़ गया, नहीं यार ऐसा नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा था यार। रील्स भी मतलब रील्स भी एडिट करनी है, शॉर्ट्स भी एडिट करना है, लॉन्ग वीडियो भी एडिट करनी है, तो इसमें बहुत टाइम लग रहा था और रात को लेट आता था यार, तो मतलब वही थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा ख़राब हो जाता तो बहुत मुश्किल होता है। बाकी यार वीडियोस मतलब मैं डेट डेट ट्राई कर रहा था डालने की, बाकी यार आपसे ट्राई करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी ब्लॉग डालें। और अब बताओ यार मतलब वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करना यार अपने थाट्स, मतलब कैसे मतलब कैसा मतलब कोई ब्लॉग लगा वैसे यार आई होप अच्छा ही लगेगा। चलिए ठीक है यार मिलते हैं आपसे इससे भी और मेरे वीडियो के साथ। ओके टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।